हाय मेरा नाम है तृप्ति और आप मुझे सुन रहे हैं 104.8 जीरो फोर पॉइंट पर और आज मेरे साथ हमेशा मैं मूवीज़ के बारे में बातें करती हूँ और एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी आई है जिसके बारे में अगर मैंने बात नहीं किया तो कुछ अन इनकम्प्लीट सा लगेगा मैं बात कर रही हूँ यार मेरा तितलिया वर्गा मूवी की और आज मेरे साथ शो पर बहुत ही टैलेंटेड वेरी वेरी टैलेंटेड दो एक्टर्स गिपी गरीवाल सर और तनु गरीवाल ये दोनों हैं हमारे साथ और उनसे हम बात करने वाले हैं इसी मूवी के बारे में हेलो सर हेलो मैम थैंक थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस कैरेक्टर्स जो आप लोगों के हैं उसमें कितनी सिमिलारिटी है अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो क्या आप भी वैसे ही uh, एक्ट करेंगे जैसे कैरेक्टर्स में एक्चुअली क्या है कि ये आज की कहानी है और मुझे गा? लगता है कि शायद आज के बहुत से लोग इसके साथ रिलेट करेंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि नॉर्मली क्या है कि आप एक दूसरे को टाइम देते नहीं हो जिसकी वजह से आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और फिर आपको किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है जैसे लोग बोलते हैं कि शराब पीने लग गया ये होने लग गया ये एक वैसा ही ड्रग है फ़ोन तो आपके पास पड़ा है तो आप किसी ना किसी को मैसेज करने लग जाते हैं आपको किसी का सहारा चाहिए होता है तो यू आर टॉकिंग टू सम बड़ी पहले क्या होता था पहले जो फैमिलीज थी वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ थी बड़े बड़े घर थे बहुत से लोग रहते होते थे आप किसी के साथ डिस्कस कर लो आप उसके साथ डिस्कस कर लो देर इज़ नो बड़ी अब हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दो बंदे लग रह रहे हैं तो वो किससे बात करें क्या करें तो वो फ़ोन पे लग जाते हैं किसी ना किसी के साथ चैटिंग वैटिंग करने आहिस् आहिस्ता आपके अफेयर्स चल पड़ते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी वो चीज़ें होने लग जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत से लोगों के साथ रिलेट करता है तो जब फिल्म देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनके आस की ही कहानी चल रही है सब फेसबुक का इश्क दिखाया गया है इसमें तो फेसबुक वाला जो आज की जनरेशन का इश्क है उसके बारे में क्या कहना है यही है बहुत मुझे लगता है कि ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन टाइप वाला ही है क्योंकि okay, पहले फिजिकल आशकी होती थी पीछे पीछे घूमना पड़ता था लड़की रोकनी पड़ती थी उसको हिम्मत से बोलना पड़ता था आई लाइक यू ये वो दिस दैट तो आजकल बहुत ईजी है इनबॉक्स में ड्रॉप करते जाओ मैसेज कोई ना कोई जवाब दे देगी उसको दो लाइनें आगे लिख दो चार लाइनें आगे लिख दो इट्स सो ईजी मतलब वो सिस्टम रहा नहीं है नहीं। पहले तो कई लड़के पाँच पाँच साल गेड़िया ही निकालते रहते थे सो आजकल तो बहुत चेंज हो गया है टोटली एग्री आजकल तो फोन पे You you know, just 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 on your phone, you can just send like friend requests one time. <laughs> yeah, basically, there's just so many options. I think कई लोग चाहते हैं A quick rapid fire से हम yeah. end करना चाहेंगे तितिया वर्गा इसको एक sentence में अगर describe करेंगे तो कैसे

ये कैसे बैठा है इसको बैठने की अकल नहीं है इसको ये नहीं है ऐसे है, हो जाता है बहुत सी चीज़ें हैं हाँ लोग जज करने लग जाते हैं सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा एडवांटेज हर चीज़ की प्रायोरिटी मिलती है लोग कहते हैं आ जाओ भाजी आप कहा आ जाओ, जाओ बैठ जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ वो फायदे भी मिलते हैं इश्क में डील ब्रेकर smell, smell. <laughs> आपके लिए सर इश्क में डील ब्रेकर चीटिंग वीटिंग Uh, क्योंकि मैं इश्क़ से हूं तो वन वर्ड फॉर इश्क़ प्यार दोस्ती इश्को एंड मेरे ख्याल से ट्रस्ट बिकॉज द मूवी इज अबाउट ट्रस्ट ओनली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू जीरो फोर पॉइंट एट इश्क एफ एम जू दी बेबी